नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आज आपके लिए लेके आ चुका हूं रेलवे एनटीपीसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये न्यूज है वो आ गई है। सबसे पहले तो बात करने वाले हैं एग्जाम करवाने वाली जो आपकी एजेंसी है उसके बारे में, क्योंकि जो एग्जाम करवाने वाली एजेंसी होती है ना, वो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाती है, जो उसका इतिहास रहता है, वही जो पैटर्न होता है उसका, वही सभी एग्जाम्स में उसी तरीके से वो क्वेश्चंस बना रही होती है। तो वो एजेंसी आपके लिए कितने फायदेमंद रहने वाली है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डीप आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेंसी का नाम सुन के ही चले जाओ कि सर जी हाँ ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या फायदा होने वाला है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे, पेपर हार्ड बनता है इजी बनता है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे, और साथ में अभी सबसे पहले हम 2025 में आने वाली भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। देखो, अभी आपने जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है ना, वो है आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाला फॉर्म है, लेकिन आप सभी जानते हो 2025 का कैलेंडर भी आ गया है, तो एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड वैकेंसी भी बताई गई है कि 2025 में आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी 2024 के लिए अच्छे से तैयारी करोगे, भाई सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, जिस जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो 2024 वाली में जॉब ले लेंगे, जिनका नहीं होगा जो तैयारी कर रहे होंगे, भाई आधे नंबर से रह गए, एक नंबर से रह गए, ठीक है इस तरीके से अगर रह जाते हैं, दशमलव में रह गए, तो वो 2025 वाली में सिलेक्शन ले लेंगे अगर वो तैयारी करेंगे तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये आज का ही पटना का ही अखबार है, ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, मैं आपको दिखाता हूं और साथ में समझाता हुए चलूंगा। सबसे पहले देखिए, यहां पर बोला गया है कि रेलवे की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों की बहाली की जाएगी, यानी कि आपकी 50,000 और वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये बात कब की कर रहा है, 2025 की ये बात कर रहा है कि ये आपकी आने वाली है, जिसमें आपकी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल वाली सारी की सारी आने वाली है, एनटीपीसी की भी आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, जूनियर इंजीनियर की भी आएगी, लेवल वल जो आपका ग्रुप डी है उसकी भी आने वाली है, ये इसमें बताया गया है। और इसमें साथ में देखिए, यहां पर ये बताया गया है कि यहां पर बात करें तो करीब 15,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ग्रुप डी की अगर बात करें, 2025 की बता रहा है, 2024 की अभी नहीं बताई इसने, 2025 में लगभग 15,000 वैकेंसी आएंगी, एनटीपीसी के लिए करीब 10,000 वैकेंसी आने वाली है 2025 में, बाकी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की 5,000 वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो 2025 में लगभग 50,000 रेलवे की और वैकेंसियां आएंगी, तो एनटीपीसी की लगभग 10,000 और ग्रुप डी की 15,000, लेकिन ये 2025 की है, अभी एनटीपीसी की वर्तमान में आज की है, ठीक है, ग्रेजुएशन की अलग है और जो अंडर ग्रेजुएट है उनकी अलग है, ट्वेल्थ वालों की अलग है, ठीक है, उसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, लास्ट डेट है वो समाप्त होने वाली है। अब इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये मैं डाल दूंगा, जिसको ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है ना, तो वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे है, व्हाट्सएप, ठीक है, चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां पर ज्वाइन कर लेना, हर भर्ती से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है, जिसके ऊपर हम वीडियो भी नहीं बनाते ना, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, इसमें बात करें तो यहां पर देखिए किया जा रहा है कि इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड है उसमें परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है, कितनी वैकेंसी निकली हुई आपकी, 45,708 ये आपकी वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आपका एएलपी का एग्जाम होने वाला है, आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा, आपका जेई का एग्जाम होगा, आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो ये सारी की सारी जो वैकेंसियां निकली हुई है, और इसके बाद अभी जल्दी ही आपका ग्रुप डी का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, तो इसमें अभी बोला गया है कि जो 45,708 वैकेंसी निकली गई हैं, उनके लिए एग्जाम सेंटर परीक्षा केंद्र है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनका चयन किया जा रहा है, और इसका एग्जाम टाटा
कंसल्टेंसी परीक्षा संचालन करेगी, यानी कि जो आपका टीसीएस है वो आपका एग्जाम करवाने वाली है। आपका एग्जाम कौन करवाएगी? टीसीएस आपका एग्जाम करवाने वाली है। जब टीसीएस आपका एग्जाम करवा रही है तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि टीसीएस वो कंपनी है, अगर आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम पहले से दे रहे होगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि जो टीसीएस है ना, इस ये काम करवाती है, ये एग्जाम करवाती है अपने किसका, एसएससी के सबसे ज्यादा एग्जाम करवाती है। हाँ, रेलवे के भी कुछ एग्जाम्स इसने करवाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एसएससी के ये एग्जाम करवाती है। और एसएससी के एग्जाम की बात करें तो जैसे आपका मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, इनका क्या होता है, टीसीएस का सेट पैटर्न होता है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है वही आपसे पूछ रहे होते हैं। लेकिन जो रेलवे की आरआरबी वाली करवाती थी, या एक बार आरआरसी ने भी करवाया था ग्रुप डी के लिए, तो ये जो करवाते हैं ना, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, इनका क्वेश्चंस बैंक है जहां से क्वेश्चंस निकाल के बनाए जाते हैं, वो अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी बना देते हैं, कितना भी डीप पूछ लेते हैं। इस वाले में कितना भी डीप पूछा जा सकता था, जो आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होता वो भी इसमें पूछ लेते हैं। लेकिन टीसीएस एक बात बोलती है कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है ना, मुझे इतना पता है कि ये स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, वो मेरे क्वेश्चंस जरूर कर पाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि अब जीके में 20 में से 20 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, अगर टीसीएस के छोटे वाले एग्जाम्स की अगर हम बात करें, एसएससी वाले छोटे एग्जाम्स की अगर बात करें, जैसे मैं अगर एसएससी जीडी की बात करूं तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके आरपीएफ वगैरह वाले एग्जाम है ना, इनमें ज्यादा डीप तो आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये टीसीएस ही आपकी करवाने वाली है, ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो इससे क्या हो गया कि भाई मैथ और रीजनिंग का सेट पैटर्न है, जो टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ो बस आराम से, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो कभी ना आया हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो रेलवे में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। देखो, पूरे एग्जाम की बात करूं ना, तो 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होते थे आपके रेलवे के एग्जाम्स में जो पहले कभी नहीं आए थे, या बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं, या बाय चांस किसी ने पढ़ा होता है, टीचर्स को भी नहीं आ रहे होते, वो क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। लेकिन अगर टीसीएस ये आपका एग्जाम करवाने वाली है, इसका मतलब है कि अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो आराम से कर पाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर टीसीएस की बात करूं, जिस तरीके से उसका पैटर्न रहता है, तो जीके में आपका थोड़ा स्टैटिक जीके पे आपको ध्यान देना होगा। एक तो स्टैटिक जीके पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि टीसीएस जब से करवाने लगी है, ये स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछ रही है। जीके में अगर हम यहां पर बात करें तो स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, और इसका करंट अफेयर है ना, आपका जो करंट अफेयर है वो लगभग 2 से 3 साल का ये पूछती है, 2 से 3 साल का ये पूछती है, बाकी तो एक साल के ही पूछे जाते हैं, लेकिन टीसीएस जब एग्जाम करवा रही होती है, 2 से 3 साल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो भी ये पूछ रही होती है। इसका मतलब सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दें तो बाकी सब आसान होने वाला है, करंट अफेयर आपका थोड़ा टफ होने वाला है। और आपको पता है कि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, अगर हम आरपीएफ वाले एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बात आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है जी। अब पेपर देखो, पेपर हार्ड बनेगा या इजी बनेगा, ये तो आप सभी जानते हो कि भाई जो सिलेबस में दिया हुआ है, जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहता है, जिस तरीके के पीवाईक्यू रहते हैं, अगर हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं और उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पेपर को इजी माना जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन हाँ थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इजी रहेगा, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो कि भाई मॉडरेट पेपर आपका रहने वाला है, वरना कुछ भी उठपटांग पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए जो बुक्स में ना हो, ठीक है, या कोई ज्यादा ही हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर जिस तरीके से हरियाणा में पूछते हैं ना एचएसएससी वाले, कुछ भी पूछ लेते हैं, अभी तो फिर भी उनका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसी तरीके से अगर पूछा जाएगा तो पेपर हार्ड बनता ही है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का बनने वाला है, ठीक है जी। एग्जाम के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जिस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जो आपका पीवाईक्यू, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पीवाईक्यू को एनालिसिस कर रहे हो कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, देखो लेवल में भी ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी का जो क्वेश्चंस बैंक है ना,
उसी हिसाब से पूछ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एनटीपीसी के एडवांस मैथ में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए आप रेडी रहना एडवांस मैथ के लिए, बाकी आपका है वो बिल्कुल सब कुछ सिंपल ही आने वाला है, बाकी ज्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले एक चीज आप जरूर कर लेना, जो जिसने अभी तक नहीं किया है, कि भाई अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, हर छोटी से छोटी अपडेट होती है वो आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि आपको वीडियो ना देखना पड़े और मुझे भी वीडियो ना बनाना पड़े। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? आप शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे उनको भी पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।